हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी लोगो कैसे तैयार कर सकते हैं, आप अपना लोगो कैसे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, तो आप इस तरह से लोगो अपना कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले न्यू कर देते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि आप कैसे कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, मतलब अपने से खुद से क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल प्रिस्टिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे अपना खुद का लोगो तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले वर्ड आर्ट में जाइए, वर्ड आर्ट में ये टेक्स्ट लीजिए, आप टेक्स्ट लेना चाहते हैं। ठीक, आप जिस एरिया के लिए बनाना चाहते हैं आप उसका नाम लिखिए, और मतलब उसका क्या नाम है, किस नाम से वो चल रहा है, किस नाम से आप लोगो बनाना चाहते हैं, ओके कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर ये साइज देखिए, ये जितनी जितनी आप छोटी करते जाएंगे छोटी होगी, लेकिन इसकी जो मैं चाहता हूँ गोल आए वो सर्कल की तरह, वो सर्कल नहीं आ रहा तो बिहाइंड टेक्स्ट ले लीजिए। फिर इसके बाद ये देखिए, यहाँ से आप इसे छोटा कर दीजिए, और सर्कल की तरह ये पूरा सर्कल बन सकता है जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं। ये टेक्स्ट जो कि हम लोगों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, और भी तरीके हैं, इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन हमको उनसे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ है मतलब तो अपने लोगों से। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसके बाद आपको इंसर्ट पे जाना है, फिर शेप्स यूज करना है, ये सर्कल ले लीजिए, सर्कल को ड्रा कर लीजिए, सर्कल को ड्रा करने के बाद आप इसे फिक्स कर लीजिए। ठीक, और फिर इसके बाद सेंड टू बैक ऑप्शन पे जाइए, सेंड टू बैकवर्ड बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक, ये देखिए फिक्स आ रहा है, लेकिन इतने मज़े का नहीं आ रहा है अभी, जो हमको चाहिए वो हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ताकि लोगो है यार थोड़ा अच्छा होगा तभी तो अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर तो किसी का भी यूज कर लो, अगर जब अच्छे से नहीं बनाना है तो। दोस्तों, जो सीखो अच्छे से सीखो, और यदि सीखना चाहते हो तो, और जब सीखना ही नहीं है यार तो फिर कोई मतलब नहीं है। देखिए इसकी साइज आप फिट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद आप सर्कल पे क्लिक करके कंट्रोल डी करिए, तो ये एक और सर्कल आ गया जिसकी साइज हमको घटा लेनी है। फिर इसके बाद हमको अपने हिसाब से इसे फिट कर लेना है। फिर इसके बाद हमको फिर इंसर्ट पे जाना है, फिर वर्ड आर्ट, ये दीजिए, या आपको जो भी पसंद हो, आप जो भी बनाना चाहते हैं उसके आधार पर आप बना सकते हैं। ठीक, मैं ये अपने कॉलेज का बना रहा हूँ आपको बताने के लिए कि ये कैसे बनता है, बस वैसे जानते हैं कि किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट का पहले से ही बना हुआ होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने ये बनाया, फिर इसके बाद फिर आप सिप पे जाइए, सिप पे आप ये ले लीजिए, फिर से फिल कर दीजिए, फिर आउटलाइन, नो आउटलाइन, ये फिर कंट्रोल डी करिए, जैसे हमने सर्कल के लिए डुप्लीकेट बनाया था उसी तरह से इसका भी डुप्लीकेट बनता जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी करने के बाद आप इसे डुप्लीकेट, ये देखिए दोस्तों। ठीक,
फिक्स कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें फोटो कैसे लें। फिर इसके बाद आप इंसर्ट मेनू पे जाइए, फिर मेनू पिक्चर पे क्लिक करिए। आप जो भी फोटोज रखना चाहते हैं वो फोटो ले लीजिए और उसकी साइज़ अपने हिसाब से तय करिए कि उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए। उससे अपने लोगों के हिसाब से कि लोगों की साइज़ क्या है और छोटा बड़ा कर सकते हैं आप इसको। देखिए अभी इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, तो हम इसके लिए इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं। देखिए ये भी सेंटर में आ गए और इसकी साइज़ अभी भी ज़्यादा छोटी लग रही है, थोड़ी हम इसकी साइज़ बढ़ा लेते हैं। अपने लोगों पर डिपेंड करता है कि हम इसे किस साइज़ का बनाना चाहते हैं। ये दोस्तों इसके बाद हम इसके कलरिंग कर लेते हैं। इसकी साइज बाद में भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको कि आप इसको कलर कैसे, फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे। फॉर्मेट में ये सिर्फ आउटलाइन है, तो आप इसके बॉर्डर में जो कलर देना चाहते हैं वो ये कलर तो हो नहीं सकता, जो भी आपको पसंद आए कलर आप रख लीजिए। इसके बाद इसके अंदर मैं कलर करना चाहता हूँ, जो भी कलर आप करना चाहते हैं वो कलर कर लीजिए। देखिए एक बेहतरीन लोगो इस तरह से तैयार हो जाता है दोस्तों। तो यदि आपको ये लोगो पसंद आया हो, यदि मेरा वीडियो ही पसंद आया, तो ज़रूर हमारी इस वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। और इसके बाद यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ बहुत सारी मिलते रहें। जय हिंद।